हाल ही में एक कंट्रोवर्सी जो फिर से रिसर्फेस करके सामने आई है, जिसने सबकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया है, वो है शहनाज कौर गिल और हिमांशी खुराना के बीच हुई लड़ाई, जिसमें पूरी पंजाब म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गई थी। अब जब शहनाज और हिमांशी दोनों इंडिया के सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 30 में एक साथ है, तो चिंगारियां तो उड़ेगी। स्टोरी के थ्रू हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कैसे शुरू हुई शहनाज और हिमांशी के बीच ये स्नैपचैट वीडियोस के थ्रू एक दूसरे को अटैक करने का सिलसिला। दोनों के बीच का ये झगड़ा शुरू हुआ तब जब शहनाज ने हिमांशी के गाने आई लाइक इट के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने उस गाने का मजाक उड़ाया था और ये भी कहा था कि हिमांशी का गाना बिग फ्लॉप है। अब इसके बाद हिमांशी कहाँ चुप बैठने वाली थी। हिमांशी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शहनाज को जवाब देते हुए उन्हें बहुत भला बुरा कहा और फिर शहनाज की कैरेक्टर और पर्सनल लाइफ के बारे में भी कमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, शहनाज के लिए हिमांशी का एक कमेंट कुछ इस तरीके का था, तेरी जैसी लड़कियां ना जाने किस किस के साथ रोज सोती है। इस एक कमेंट से आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि हिमांशी के कमेंट्स की इंटेंसिटी किस लेवल की थी। इसके बाद शहनाज ने एक बार फिर अपने स्नैपचैट पर हिमांशी को वर्बली अब्यूज किया, बॉडी शेम किया और उनके पेरेंट्स, खास करके उनकी मम्मी को भी अब्यूज किया। वेल, गलती किसी की है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बात जो शहनाज ने कही, या यूं कहें कि एक सवाल जो उसने पूछा, वो बिल्कुल सही था और कुछ इस तरह था। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को हर किसी का गाना काम पसंद आए। शहनाज ने सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन सबके साथ शेयर किया, एक्सप्रेस किया। उसके लिए हिमांशी का यू चिढ़ना कि उसने शहनाज को पर्सनली टारगेट किया, क्या वो सही था? आपको क्या लगता है, क्या शहनाज की मजाक करने या उड़ाने की आदत उनके लिए भारी पड़ गई? आपके थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।